नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। पहले दिन दोनों पालियों में रिकॉर्ड 96% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 47 केंद्रों पर दोनों पालियों में 43,269 अभ्यर्थियों को हाजिर होना था, जिसमें से 41,589 ने परीक्षा दी है, जबकि 17,007 अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया है। एग्जाम देकर निकले अभ्यर्थी खुश नजर आए। उनका कहना था कि पेपर सरल था, इसलिए मेरिट हाई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। इसमें 21,648 में से 20,875 अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे, जबकि 773 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक हुई। इसमें 21,648 में से 20,714 अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे, जबकि 934 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक कराने का प्रयास कर रहे गैंग के दो आरोपी पकड़े जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी चेकिंग की गई। जी आज झांसी जिले में 17/2/2024 की जो दोनों पालियों में पुलिस आरक्षी परीक्षा थी, दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न हुई है। कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई, न तो कहीं किसी सेंटर से किसी तरह की शिकायत नकल करने आदि की प्राप्त हुई। नहीं, ऐसा अभी कहीं नहीं मिला है। अगर कहीं ऐसा हुआ होगा तो हम लोगों के नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ट्रैफिक आदि की जगह जगह जो ड्यूटियां हैं लगा रखी थी, आप देख रहे होंगे हम लोगों के राइट साइड में हेल्प डेस्क इलाइट चौराहे में बना हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कचहरी चौराहे पर भी इसी तरह का हेल्प डेस्क बना रखा था, जिसे जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अगर कहीं किसी सेंटर का रास्ता अगर पता करना हो या सेंटर के बारे में पता करना हो या अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको ये सारी जानकारियां दी जा रही थी।